Hi guys. So today we have Purnima. CA Purnima. She has got into productivity internal audit, and she also uh, got some any other calls from big boards And she she joined our GS Prime Mentorship program last four months back when she she became a chartered accountant. She also joined other mentorship program, then she joined our program, and through which she cleared her rounds of interviews. So she will be sharing her experiences. So how are you feeling, Purnima, to come finally today? Uh, first of all thank you so much sir for inviting me here and to i got opportunity to share my interview experience with your viewers and i just salute to your uh, efforts and hard work that you are putting on uh, your mentees and that's commendable thank you so much so uh like uh, you you come to know about me from where did you come to know about our uh, program yes. yeah linkedin mm -hmm. linkedin 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 okay yes. and what are the benefits you got from our program and what are the things that you did the mistakes earlier as a cf racer which actually helped you key later on with our program okay so uh there are so many benefits that uh helped me to uh got my dream company or dream job and that was all that was all possible just because of you and your program so फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रिज्यूमे बिल्कुल uh, सही नहीं था क्योंकि की वर्ड्स इंक्लूड नहीं थे बिकॉज uh, जब हम अपनी सी वी फॉरवर्ड करते हैं किसी भी कंपनी में तो वो सी वी हमें वहाँ रिप्रेजेंट करती है देन uh, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी भी अच्छी हो आप कितने भी इंटेलिजेंट uh, हो बट जब तक आपका सी वी एकदम अच्छा नहीं होगा की वर्ड्स नहीं होंगे उसमें तब तक आपको कॉल नहीं आने वाला है तो सबसे पहले सी वी आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए तो सर आपने वो मेरी सी वी एकदम अच्छी बनवाई थी मैंने काफ़ी टाइम भी दिया था उस पर और आपने भी उसको काफ़ी रिव्यू किया था सो इट वॉज द फर्स्ट पॉइंट एंड नंबर सेकेंड इज़ दैट मेरी लैंड प्रोफाइल एंड नौकरी प्रोफाइल अच्छी नहीं थी वो भी मेरी लाइक like, अपडेट नहीं थी देन आपने मुझे बताया था कि उसमें क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी रहती हैं क्या क्या इंक्लूड करना है एंड नौकरी प्रोफाइल हमें डेली अपडेट करनी रहती है वो भी मुझे आपने बताया था एंड नंबर थर्ड इज़ दैट आपने मुझे रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स प्रोवाइड किए थे Uh, अगर हमने सिर्फ वो रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स भी पढ़ लिए तो लाइक वी आर गुड टू गो टू क्लियर एनी इंटरव्यू एंड अगर वो सारे मटेरियल्स पढ़ लिए देन आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपको वैकेंसीज देखनी है कहाँ क्या देखना है वो सर सारी वैकेंसीज ग्रुप पे पोस्ट करते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन पे ध्यान देना है एंड देन मॉक इंटरव्यूज कर लेते हैं तो उस उसपे भी ये है कि मेन इंटरव्यू में, में ब्लैंडर करने से अच्छा है कि हम आपके सामने ब्लैंडर कर लें क्योंकि आप यहाँ पे हैं हमें गाइड कर देंगे तो वो भी मेरा सर ने मॉक इंटरव्यू लिया था एंड पहले मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ था आउट ऑफ मॉक इंटरव्यू एंड जो भी आपने कमेंट्स दिए थे मैंने उस पर वर्क किया देन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ हो गया था एंड मुझे उसके बाद लगा कि अब मैं कोई भी इंटरव्यू क्लियर uh, कर सकती हूँ एंड उसके बाद आप रेगुलर फॉलो अप लेते हैं Like like, कितना प्रोग्रेस हुआ है कितना प्रिपेयर कर लिया है कहाँ कहाँ अप्लाई किया है देन ऐसा कोई नहीं करता है एंड सबसे बड़ी बात आप वन टू वन मेंटोरशिप देते हैं इसमें बहुत हार्डवर्क बहुत एफर्ट लगता है आप पर्सनली लाइक like,

एंड नंबर सेकेंड इज दैट बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि उनका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है क्या एग्जिट अपॉर्चुनिटीज रहेंगी किसी भी फील्ड में एंटर करने के बाद और क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रहेंगी तो वो भी आप पूरा बताते हैं कि हर फील्ड में क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रहेंगी क्या वहां से एग्जिट uh, अपॉर्चुनिटीज रहेंगी सो आई थिंक ये आप लास्ट पर और... चीज बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ एंड एग्जिट अपॉर्चुनिटीज को पता ही नहीं बिग फोर में क्या ग्रोथ है इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ है एग्जिट अपॉर्चुनिटीज नहीं पता बहुत लोगों को उसको जाना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मैनेजमेंट कंसल्टिंग पर उसको पता ही नहीं एग्जिट करेगी वो या इंडस्ट्री में जाएगी तो इंडस्ट्री में ग्रोथ क्या होने वाला है या बिग फोर में वर्क लाइफ बैलेंस अगर खराब तो ग्रोथ भी तो है तो बहुत जिन लोगों को ये नहीं पता कैसे स्टार्ट करना है अपना करियर फिर प्रोफाइल के आर में उसको नॉलेज नहीं है कि ऑडिट में जाए टैक्स में जाए फाइनेंस में जाए वो बस देख लेते हैं कि उसको इंटरेस्ट है उसके ऊपर में पर इंटरेस्ट तो आपका इसलिए आता है बिकॉज आपने उसके बारे में सुन लिया बहुत लोगों के से प्राइवेट yes, प्राइवेट right. इक्विटी के यार मेरे मेरे पास आता है बोलते है स्टूडेंट को इक्विटी में जाना है चार हो प्राइवेट इक्विटी में ही जाना है मेरे को तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग में ही जाना है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही जाना है तो so, वो वो जिद के आगे वो प्रॉब्लम हो जाता है तो so, हमेशा आपको अपना देखना है कि आपका कितना अटेम्प्ट हो गया है आपका क्या पोजिशन है आप कहाँ पर काम कर सकते हैं वट इज योकेशन विच यूर प्रेफरेबल टू वर्क and how do you really can work 16 hours or you are not that of a person yes. so you should look at after everything and you have to look after a family also you have to give some time to your family so both sort of factors for career decision Lena and then we also guide on हाउ मेनी पार्थ्स दैट यू शुड हैव मोस्ट ऑफ पीपल एक्चुअली वन करियर इन माइंड कि हाँ यहाँ पर मेरे को जॉब चाहिए नहीं तो मेरे को जॉब नहीं करना है आई नीड इन दिस सेक्टर ओनली और आई विल नॉट डू आई विलेट अब इंटरनल ऑडिट अदरवाइज आई नॉट डू आई विलेट अब आई सो आई विल नॉट डू आई विल जस्ट वेस्ट माई टाइम तो वो नहीं होना चाहिए यू शूड एटलीस्ट है आपके पास होना चाहिए वेदर यूर सी ए फ्रेसर और इवन एन एक्सपीरियंस पर्सन हमेशा तीन रास्ता आपके पास बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी

तो कैसे पॉसिबल है और बहुत लोगों को लगता है की रेज्यूमती हाँ, भी भी मैंने हाँ। सिर्फ एक रिज्यूम बना रखा था वही गलती करता हैं और सबको ये, ये गलत फहमी है कि अगर आपका एच आर का, का, का बिग फोर का ये कहीं से रेफरेंस अगर अच्छा मिल जाएगा तो वो लग लग जाएगा आपका बहुत कम केसेस में वो होता है वेरी फ्यू केसेस आई हैव सीन कि आपके पास वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस था और उसके बेसिस में आपका रेजिमे शॉर्टलिस्ट हो गया योर शॉर्टलिस्टेड ऑन देयर क्योंकि हर जगह की ही है इवन यो आपका एक बार एच देखेगा उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होता है वो भी देखता है रेजिमे को नॉट ओनली द एच वो एच तो आपका इंटरव्यू ले लिया फिर एच के बाद मैनेजर भी आपका इंटरव्यू

Communication skill is never been the problem. The problem, I think everywhere the problem has been that they did not have the practical knowledge. And after not having the practical knowledge, then the problem is they even if they had the practical knowledge. I have seen key in out of 10 people, seven people did not have the practical knowledge. Suppose, and that three people who had the practical knowledge, they have cracked easily, even though they were weak in communication skill, because this is a इन द इनिंग आपको एग्जीक्यूट करना है चीजों को तो उसको टेक्निकल नॉलेज में आपका ज्यादा माथा बची करता है क्योंकि उसको पता है सॉफ्ट स्किल तो हम लोग इंप्रूव कर देंगे सामने वाला का तो डेफिनेटली टेक्निकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट थिंग देखिए माइंड सेट आपका कॉम्युनिकेशन स्किल भली कैसा हो पर माइंड सेट आपका बहुत होना पड़ता है ब्रॉडर तो वो लोग देखते हैं कि आप जो प्रोफाइल में जा रहा है एक्चुअली आप क्यों आया इधर में आप टाइम पास करने के लिए आया है इधर में या एक्चुअली मैं आपको मन so, है ये, ये प्रोफाइल में कहा प्रोफाइल तो, में आपको एक्चुअली मन है लॉन्ग टर्म काम करने का तो ये चीज देखता है मेरे हिसाब से टेक्निकल नॉलेज से पहले आपका माइंडसेट चेक होगा कि आपको एक्चुअली में ये स्टेट ऑडिट का प्रोफाइल इंटरनल ऑडिट या ट्रांसफर प्राइसिंग या जो भी है इनडायरेक्ट टैक्स आप यहाँ पर में लॉन्ग टर्म रह सकता है क्या बिकॉज पीपल डू जॉब हॉप आफ्टर आफ्टर मेरे पास आता है लोग हमको मन नहीं है आई आई वॉन्ट टू जॉब हॉप तो so, वो गलती आ, आपका तो नुकसान होता ही होता है कंपनी का भी नुकसान होता है वो आपको ट्रेनिंग दे दिया एंड देन आपको मन नहीं हो प्रोफाइल में काम करने का तो ये भी चीज आजकल जो काफी ध्यान देने लग गया कि माइंड सेट आपका चेक होता है कि आपको एक्चुअली में इंटरेस्ट है कि नहीं फाइल प्रोफाइल को लेकर बिकॉज 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 सी ए फ्रेसर का एक ही रहता है माइंड सेट में सी टी सी Yes. <us> ज्यादा मिल रहा है वहां पर घुस जाते हैं ये बहुत बड़ा गलती हैम गेटिंग सीटी सी इन ट्वेंटी लैक इन मुंबई तो वहाँ पर मैं ट्वेंटी लेख के साथ आपको सोलह घंटा काम भी कराएगा सेवन लेक में आपको आठ आवर्स का घंटा मिलेगा अपना परिवार के साथ रहेगा ये आप नहीं देखते हो बार आपको ट्वेंटी आपको ट्वेंटी लेख दिखाई दे रहा है ट्वेंटी लेक दिखाई दे रहा है पर ये नहीं दिखाई दे रहा मुंबई में होगा सोलह घंटा काम रेंग होगा रेंग आप परिवार से दूर रहोगे आप परिवार से भी दूर रहोगे और आपको काम में भी मजा नहीं आ रहा है प्लस आपको बॉस भी छाड़ेगा तो आपको ये सब फैक्टर इन करना है कि आपको एक्चुअली में क्या काम करना है मेनी पीपल एक्चुअली टेक एक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सी टी सी मेनी सी एफ रेसरिमा मेनी मेनी सी एफ बोलता है कि एक रैंक होल्डर को बीस लाख का सी टी सी मिल रहा है मुझे आठ लाख का मिल रहा है मेरे को रात को नींद नहीं आता है रात को नींद नहीं आ रहा है, देखो, वो है तो उसको मुंबई में मिल रहा होगा ही मे बी ओके तो आप वो भी तो देखो ना आप वो देखो कि आपको जाना कहाँ पर है वो चीजें प्रोफाइल आप काम में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर आपको काम में मजा आ रहा है लॉन्ग टर्म में सी विल नॉट बी द मेजर फैक्टर

Somebody wants to get into practice. तो उसके लिए क्या सही रहेगा so, की रहे इंडस्ट्री सब डू जॉब ओनली तो ये सारा फैक्टर्स हम लोग हम जब भी लिए थे आपसे भी लिए हो गए तो मैं पूछने का कोशिश करता हूँ अब लॉन्ग टर्म प्लान है कि नहीं है कि और जस्ट अभी न्यू है आपको पैसा चाहिए आई आई नो अबाउट उसको क्या करना है क्योंकि मेरे को अगर पता ही नहीं, इसको सामने को नहीं करना है ऐसा नहीं रहता है लगा दे इसको मन ही नहीं हो जॉब करने का दैट विल नॉट रियली टाइम टू आवर्स लेते हैं टू अंडरस्टैंड माइंड सेट मेरे पास आता है मैं बहुत स्टूडेंट आया मेरे पास एंड से कि मुझे प्रैक्टिस में जाना है तो तो मेरे को ये तो क्या सही रहेगा तो मैं आपको अकॉर्डिंगली गाइड करता हूँ मेरे पास आता है स्टूडेंट एनसेज की मुझे पता नहीं है कुछ भी अभी आई डोंट नो एनीथिंग और एनी करियर तो मेरे को कैसे है तो पर गाइडेंस में टाइम ज्यादा लग जाता है तो कोई स्टूडेंट बोलता है मेरे को कोई स्टूडेंट को मैं सेवन आवर्स भी दिए है आवर्स सेवन आवर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेट आवर्स वज टोटली कन्फ्यूज अबाउट सो मेनी थिंग्स एंड ही वॉज कंटिन्यूसली आस्किंग मी क्वेश्चन कि इसमें क्या होता है सर इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है तो मेरा था कि हाँ इनका क्वेश्चंस का काफी वो है तो लेट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एज एज मच पॉसिबल क्वेश्चन तो हम सारा सॉल्व करवाएंगे कराएंगे होमवर्क जब हम देंगे तो वो करना पड़ता है आई एम रेडी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस डाउट्स एवरीथिंग सो द्वेश्चन मन में कोई डाउट्स नहीं रहे पर अल्टीमेटली उसका भी कुछ होमवर्कस होगा तो फिर वो होमवर्क में अकॉर्डिंगली दूंगा वो उसको करना है टाइम दी तो दैट इज द थिंग माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो मेनी पीपल मेनी सी एफ रेसर और एनी जॉब सीकर हैज द सेम प्रॉब्लम उसका माइंडसेट फिक्स नहीं होता है जब तो माइंड सेट फिक्स नहीं होगा तब तो गलती करते ही जाएगा तो मेरा यही पहला इनिशिएटिव यही रहता है कि हाँ पहले माइंडसेट को फिक्स किया जाए कि हाँ उसको ये तीन प्रोफाइल भी जाना है डायरेक्शन मिल जाएगा तो स्ट्रेटेजी अपने पर मिल जाएगा कनेक्शन अपने भी मिल जाएगा कनेक्शन हम लोग ऐसे ही ला देते हैं कनेक्शन का कोई टेंशन नहीं नीड टू डू कोल्ड ई मेल और ऑल हम लोग ऐसे ही पर में जिसका मेंटीज का लगता है तो वही किसी का ना किसी का लगा देते हैं तो बस यही है कि आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए फिर प्रिपेयर करना है प्रिपेयर करके नौकरी का तो कनेक्शन हम लोग करके कहीं ना कहीं से हो जाता है।, yes. है वही चीज है तो यही चीज था को ये जानना था की तो आप जब स्टार्टिंग में आपका काफी हुआ होगा तो आपने इनिशली क्या गलती किया था बस समथिंग गलती आपने भी किया होगा मैंने जब ज्वाइन किया था सॉरी आप जब सी ए बना था वट वॉज दैट फीलिंग ऑन यू की जॉब तो ऐसे ही लग जाएगा वो फीलिंग था कहीं ना कहीं वो फीलिंग थी क्योंकि ये था कि बिग फोरस हैं वो तो इजीली मतलब इतने सारे क्राउड्स को ले लेती हैं तो कर, चार बिग फोर से कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा एक जगह से निकलोगे दूसरे बिग हो रहा है तो ऐसा नहीं होता है बच्चे क्या गलती करते हैं अप्लाई ही नहीं करते हैं तो अप्लाई एज मच एज यू कैन एंड डोंट वेट फॉर कैंपस प्लेसमेंट ये तो मैंने देखा है कैंपस को लेके काफी ज्यादा वेट करते कैंपस में आप लास्ट टाइम भी देखे थे कैंपस में बहुत दिक्कत हुआ था जन को तो यू शुड नॉट बी रिलाइंग ऑन द कैंपस इंटरव्यू कैंपस इंटरव्यू में एकदम रिलाई नहीं करना चाहिए यू बी ट्राइंग ऑफ जब आए वाजा सी एसर तो हम लोग का रहता है ना कैंपस नाम ही अच्छा लगता है <laughs> तो वहाँ ऑफ कैंपस मजा नहीं आता है, तो नहीं आता है और ये बोलते हैं सब चीज जाएंगे इधर उधर घूम के आएंगे तो वो चीज़ है कैंपस में जाओगे तो पूरा एकदम फिश मार्केट का इतना ऊपर से आपका कॉल ही नहीं है आपका शॉर्टलिस्ट कर दे आपका कॉल ही नहीं है सो इट नॉट बी रिलाइंग ऑन कैंपस है एनी एंड कैंपस में जनरली जो कंपनी आता है

ये भी मैंने हमेशा कोशिश की मैंने एक जन का किया भी था तो उसको ऑफ कैंपस में लग गया था पर वो उसको ऑफ कैंपस को डिक्लाइन करके फिर कैंपस में माथा लगाया था फिर कैंपस में डीगा नहीं बहुत दिक्कत हो गया था उसको तो बहुत जन ये भी गलती yes. करता है दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू आपको ऑफ कैंपस ऑफर लेटर मिल गया उसको आप रिजेक्ट करके फिर आप कैंपस में जाते हो और कैंपस में नहीं लगा yes. तो भी वो भी गलती बहुत जन करता है तो वी ट्राई टू सॉल्व की दिस मत ये सब गलती ना हो क्यूँकी कैंपस में दिखता है आपको पैकेज इतना मिल रहा है

एंड uh, जब भी आपके एग्जाम खत्म हो जाते हैं उसके बाद 1.5 पॉइंट uh, का गैप रहता है तो आप उसपे अपने स्किल्स पे काम करो उस पर अपने कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज करो अपनी सीवी उसी टाइम रेडी करके रख लो तो वो बहुत अच्छा रहेगा रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा सी ए में ज्यादा करके मेंटरिंग का दरकार भी है सीए को ज्यादा क्यों दरकार पड़ता है क्योंकि सीए का सिलेबस ही इस तरीका नॉट गेट टाइम टू डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज ओके आपको बुक इवन yes. आर्टिकल शिप का यही कारण ज्यादा करके होता है कि थ्री है उसमें डेढ़ साल तो पढ़ाई करेगा सीए फाइनल अगर आपको फर्स्ट अटेम में सेकंड एटे में निकालना भी है तो आपको ईयर yeah. तो पूरा ही आपको पढ़ाई में जाएगा ट्यूशन वगैरह लेके एंड नॉर्मली इन द फर्स्ट हाफ वन एंड हाफ इज आई डोंट थिंक सो एनी प्रिंसिपल विल ट्रस्ट यू विद द वेरी इंपॉर्टेंट ओके दिस इज द थिंग आई हैव सीन ओके कि आपको एकदम अच्छा काम नहीं right. मिलेगा फर्स्ट वन एंड हाफ इवन आई हैव सीन वीक आर्टिकल शिप आपको जो आर्टिकल शिप में भी मैंने देखा है

हाँ हमें लाइक कुछ भी काम मिलता है तो हमें अपना खुद भी आर एन डी करना होता है उस चीज के बारे में पढ़ना होता है एंड मैनेजर सपोर्टिव होते हैं मेरे मैनेजर सपोर्टिव हैं तो हाँ लेकिन मैं, मैं अब मैं खुद से भी पढ़ के जाती हूँ जो भी एरिया मुझे लाइक कवर करना होता है उसके बारे में मैं पहले से ही पढ़ती हूँ मैं क्या क्या चेक कर सकती हूँ इसमें क्या रिस्क हो सकते हैं देन उसके बाद अगर कहीं हम पर्स जाते हैं नहीं, नहीं, तो नहीं करते है स्कूल फीडिंग नहीं करता बहुत जगह ज्यादा हमको पूरा सिखा दे वो नहीं, नहीं। होने वाला है की हाँ पूरा ही सिखा दे जब मेरे पास आते हैं बिग फूड का भी मैंने देखा है कि वो लोग को हैं कि मैनेजर्स कुछ नहीं सिखा रहा है इवन आफ्टर क्वालिफाइंग सीए बोलता कुछ नहीं सिखा रहा है

एक ही बार समझाएगा या दो बार समझाएगा तीसरा बार कोई नहीं समझाएगा इसका टाइम नहीं है डेडलाइंस ही डेडलाइंस है तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप मिनी स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर इंटरव्यू क्लियर भी कर देगा ना इंटरव्यू क्लियर करने से आपका काम नहीं होने वाला बिकॉज इंटरव्यू क्लियर भी कर दे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है एक्सपेक्टेशन इज वेरी हाई मेनी गेट फायर ऑल्सो अनफॉर्चुनेट uh, बात है दिस दिस बिकॉज ऑफ ऐसे एट्रीसन वगैरह तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आर्टिकल सिर्फ अच्छा नहीं होकर रखा है तो इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरा प्रोग्राम जो है ज्वाइन कहीं पर ज्वाइन करिए वो आपका है बट द थिंग इज लुक आउट है बट द थिंग इज दैट आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है कोई भी फील्ड में जाएगी आपको एटलीस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है किस तरीके से काम हो रहा है ऑडिट टैक्स वगैरह कम्युनिकेशन स्किल आई स्टिल फील आपका कम्युनिकेशन स्किल विद टाइम इंप्रूव होता है कम्युनिकेशन स्किल टाइम के साथ इंप्रूव होता है कोई जीएमसीएस या कुछ भी चीज नहीं कर सकता आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल आपको बात करके इंप्रूव होगा आपको लोगों से आप बात करने लगेगा फिर मैं जब सीए फ्रेशर खुद ही था आई थिंक फर्स्ट ईयर और वन और टू ईयर ऑफ मेरा जब मैं मैं जब मैं जब, जब मे बी इन द जॉब में जब था तो मेरे को भी शर्म लगता था बात करने में आई वॉज वेरी मच मचाई मतलब कि बात करें बात करना तो दूर मतलब लोगों को आंख उठाकर देखने में भी शर्म उस लेवल का शर्म था इट वॉज देयर ओके तो कम्युनिकेशन स्किल आपको टाइम लगेगा इंप्रूव करने में आप कोई जीएमसी करके या ये करके आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं होने वाला है बिकॉज आपको एक टाइम लगेगा कि हाँ अब आपका है टाइम इट विल टेक टाइम कम्युनिकेट करने में आपको थोड़ा बिहेवियर आपका अगर नहीं है उस तरीका का yeah. और आप स्पेशली छोटा जगह से निकल के आता है भोजन छोटा जगह से निकल के आता है जैसे ये बंदा ज्यादा स्मॉल स्मॉल सिटी से निकल के आता है तो यू कै नॉट एक्सपेक्ट योर सेम प्रो इन सेवन डेज और अच्छा यू विल मैच दम्युनिकेशन स्किल ऑफ द मेट्रो सिटीज इन इट विल नॉट गंग टू एपन इट विल टेक टाइम ऐसे नहीं सोचना बहुत जन मेरे पास आता है मेरी इंग्लिस खराब है मेरे को सरम लगता है बात करने में एम एन इंट्रो वर्ड तो मेरा क्या होगा सब कुछ होगा आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको थोड़ा देखना पड़ेगा एंड थिंग आई फील ना मेरा ऑब्जर्वेश मेरा कम्युनिकेशन स्किल कैसे इम्प्रूव हुआ था आई रिमेबर मेरा कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हुआ था मैं ऑब्जर्व करने लग गया था लोगों को आई यूज टू ऑब्जर्व पीपल की ये कैसे बात कर रहे हैं सामने वाला ये ऐसे जा रहा है जो हम लोग को लगता है नॉटकी हो रहा है दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल अब बाद में पता चला हाँ दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल दिस इज द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन स्किल अगर लंच ब्रेक हो रहा है यू हैव टू आपको टीम के साथ रहना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल आपको धीरे धीरे पता चलते है ये करना जरूरी है जो आपको लगता है ये तो जरूरी है करना ये कम्युनिकेशन स्किल है कॉर्पोरेट का जब आपको ये मेन फीलिंग है ये करना जरूरी है मुझे वो कम्युनिकेशन स्किल गया तो वो चीज आप आप कॉर्पोरेट में जाके ही सीखेगा मुझे लगता है जो जो जिसको लगता है कि मतलब कम्युनिकेशन स्किल आपको बेसिक लेवल का स्किल है आपका माइंड जरूरी है मेरा मानना है माइंडसेट सेट एक होना चाहिए कि आपको नॉलेज है आपको कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है एक्सट्रीमली एक्स्ट्रो कि आप जाकर लोगों से बात करने लग जाओगे इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी ईजी बोझ मेरे पास भी आता है कि मैं आपको बोलू किसी को बोलूँ जाके इससे बात कर लीजिए उससे कर लीजिए इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी स्पेशली जो स्मॉल सिटी से आता है अगर उसको आदत नहीं है सब करने का तो उसको टाइम लगेगा तो इट्स नथिंग रॉन्ग अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो आपका राइटिंग स्किल वीक है अगर कोई भी चीज़ वीक है तो आपको एक्नोलेज करिए कि हाँ वीक है चलिए इट कि हाँ मेरा वीक है आप लिख लीजिए हाँ दीज आर दिंग्स मे वीकनेस पर ये भी चीज रखिए पेशेंस रखिए कि उसको टाइम लगेगा इंप्रूव होने में वो चीज को टाइम लगेगा इंप्रूव होने में एंड कॉर्पोरेट डू गिव यू टाइम कॉर्पोरेट समझता है ये थी चीज को मैंने देखा है मेरा बॉस इसको देखा है मैंने देखा है कॉर्पोरेट समझता है जो भी अगर आपका फाइव ईयर्स का एक्सपीरियंस हो निकल के आएगा या आपको जो भी बॉस होगा उसको पता वो फ्रेशर है तो उसको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आएगा जो कि एक वन ईयर या टू ईयर वाला को आएगा कम्युनिकेशन स्किल तो दे एक्सेप्ट देर एक्सेप्टेड वट इज योर हार्ड स्किल आपने आर्टिकल में कुछ नहीं करके आपको एक्सेल चलाना नहीं आता आपको कंप्यूटर ऑन ही नहीं करना आता है वर्ड फाइल नहीं आता चलाना दैट इज अनएक्सेप्टेबल यू डोंट नो अंडरस्टैंड द जीएसटी प्रोविजन आपको सेक्शन सेवनटी फाइव नहीं पता आपको ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं पता आपको ऑडिट का कुछ नहीं पता जर्जन टेस्टिंग नहीं पता काम नहीं आता तो प्रॉब्लम है बिकॉज तो काम करवाना है ना अल्टीमेटली नीड टू वो को काम करवाने से मतलब है आपका कम्युनिकेशन स्किल भले हो चलेगा सीख जाएगा बच्चा पर का, काम नहीं करना आता तो बहुत मुश्किल हो जाता है सामने वालों को क्योंकि काम नहीं आता तो बहुत, पूछने में भी डर लगता है तो वो दोनों डेंजरस चीज होता है आपको काम भी नहीं आता है क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल भी खराब है कि आप दूसरा को पूछने में भी आपको डर लग रहा है कैसे बात करे कैसे काम निकाले प्रॉब्लम तो ये चीज मेरे हिसाब से टाइम के साथ होगा इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल बट हार्ड स्किल एंड माइंड सेट जो हो गया एंड करियर गाइडेंस की आपको कौन सा करियर में जाना है माइंड सेट यानी ये चीज बहुत जरूरी है ये अभी फिक्स होना बिकॉज अभी आप नहीं फिक्स करोगे तो दो साल बाद आपको बहुत दिक्कत हो जाता है जॉब स्विच करने में तो आई थिंक yeah. ये सब चीज मैंने कोशिश करता हूँ कि ये सब चीज़ मैंने वही मैं वही सिखाता हूँ जो मैंने गलती की है आई डोंट एडवीज की मैंने जो प्रीच नहीं किया तो मैंने देखा ये चीज के कारण ही ज्यादा करके प्रॉब्लम आता है जनरली मेक करियर को लेके हाँ इसको लेके वी डोंट नो हाउ टू गो अबाउट थिंग्स वी आर मच फॉर फोकस्ड ऑन आवर कम्युनिकेशन स्किल मैंने ये चीज हमेशा नोट की है वी आर फोकस्ड ऑन इंग्लिश स्पीकिंग टू मच कि इंग्लिश मेरा अच्छा नहीं है सम बट इज इंग्लिश इज टू गुड ओके सम फटाफट टप करके इंग्लिश बोल रहा है और मेरा इंग्लिश नहीं निकल रहा है तो यू आर कन्फ्यूज कि हाँ उसका तो इंग्लिश बहुत अच्छा है और मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है तो मेरा इंटरव्यू क्रैक होगा क्या देन यू टेक सो मेनी इंग्लिश सेशंस आल्सो आई एम टेलिंग यू ना ग्रुप डिस्कशन में वही दिक्कत है ग्रुप डिस्कशन में लगता है कि इंग्लिश के कारण नहीं होगा इंग्लिश का दरकार ही नहीं है आपका नॉलेज जरूरी है तो नॉलेज को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा नॉलेज जैसे हाँ करेंट अफेयर हो गया कुछ भी हो गया बुक रीडिंग हो गया yeah. ये हो गया वो चीज जब इम्प्रूव कर इंग्लिश आप टाइम के साथ बात करते करते इम्प्रूव होने वाला चीज है आप दस पंद्रह दिन में नहीं इंप्रूव कर सकते इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल आप मेरे से बात करने से नहीं होगा इम्प्रूव आपको एक्चुअली में रियल लाइफ एक्सपीरियंस ही होगा क्योंकि ज्यादा करके आप जब बात करने लगोगे तो सामने वाला बात नहीं करना चाहेगा तो आपको कैसे वो बात करे वो सब सीखे वो धीरे धीरे सीखते हो प्रैक्टिकली टाइम लगता है तो आपको अभी ये सब चीज में माथा नहीं लगा के जो चीज मेजर है वो है माइंडसेट और अपना हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल और इंटरव्यू प्रिपरेशन करिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जैसे तो ना प्रैक्टिस इज समथिंग प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है तो आप प्रैक्टिस का क्या बोलोगे प्रैक्टिस कितना जरूरी है आपको आता भी है बहुत कुछ पर प्रैक्टिस नहीं किया तो क्या होता है अगर हमें नॉलेज बहुत होती है बहुत नॉलेज होती है कोई भी जीएसटी का प्रोविजन पूछ लो नॉलेज बहुत है डायरेक्ट टैक्स का प्रोविजन पूछ लो बहुत नॉलेज है बट उसको इंटरव्यू में प्रेजेंट कैसे करना है वहां पे आपको इतना हाँ। सब नहीं बताना है उसको हाँ। आपको पॉइंट में बताना है एंड देन एग्जांपल देके बताना है तो जब तक आप वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहां जाके आप गलतियां ही करने वाले हैं तो हाँ। सब वही फायदा है मॉक इंटरव्यू का जो आप लेते भी हैं मॉक इंटरव्यू में हमें ये पता चल जाता है कि हमें एग्जैक्टली बोलना क्या है एंड मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप एक नोट्स भी बना लो

मोबाइल में रिकॉर्ड करो अपने देखो आप 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 को देखो पे मिस्टेक कर रहे हो तो तो अगर आप ये सब करते तो आई थिंक कोई भी के साथ ये, आपको अगर लग रहा है कि आप से का पैसा है? नहीं लगा सकते तो एक काम कर सकते दो फ्रेंड मिल जाइए पूछिए तो, तो थोड़ा वो से भी आपका इंप्रूव हो सकता है तो वी ट्राई टू दैट एज वेल So it's not that uh, we try to do that. We see everything of everything. कि व्हाट्स योर फाइनेंशियल पोजिशन एंड एवरीथिंग एंड यू वेदर यू कैन एफर्ड और नॉट इफ़ यू हैव दैट प्रॉब्लम ऑलो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट एंड वी ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल आवर जॉब इज टू हेल्प यू टू गेट प्लेस्ड ओके दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस इफ यू आर नॉट गेटिंग यूर प्लेस एंड वी आर गिविंग यू नॉलेज देन आई थिंक वी आर नॉट डूइंग द जस्टिस ओके बिकॉज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बीइंग अ चार्ट अकाउंटेंट तो वी वी फील की हाँ अगर मेरे पास कोई आ रहा है तो वो प्लेसमेंट के लिए आ रहा है नॉलेज के लिए नहीं आ रहा है उसको अच्छा दे देता है नॉलेज और अपना काम हो गया तो दैट इज नॉट द राइट मोटिव तो वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट कि जो भी आ रहा है उसको प्लेसमेंट कराने में ध्यान दिया जाए अब जब हम प्लेसमेंट का बात करते हैं किसी को तो उसका मतलब ये है कि सामने वालों को होमवर्क करना बहुत जरूरी है अगर yes. वो सोच रहा है कि होमवर्क नहीं करेगा और उसका अंदर में आंसर अपने आप आ जाएगा या हमारे पास कोई मशीन है जिससे हम ट्रांसफर कर देंगे सारा आंसर माइंड में इट्स नॉट गोइंग टू ऐसे कोई नहीं कर सकता है और आपको बैठा के भी कोई नहीं करा सकता वो रिसोर्स देते आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा फिर मॉक इंटरव्यू करवा सकते हैं अर्जा से पर हाँ कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा है वो चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं पर आप सोचोगे कि आपको आप कुछ करो ही नहीं और आंसर याद हो जाए उससे याद होने वाला है तो आंसर खुद ही याद करना पड़ेगा समझा सकते हैं कोई भी इंसान सी ए फाइनल का एग्जाम है या कोई भी है तो खुद ही पढ़े थे उसको तो वो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और पढ़ना बहुत पड़ेगा और एक चीज और गलती मैं आपको बता ही देता हूँ जो ज्यादा करके गलती करता है फॉर एग्जाम्पल मेटेलिटी है तो उसका बुक इज आंसर पढ़ने से दे, दे देता है उधर में यहां पर मैं गलती हो जाता है बुक इज आंसर लोग नहीं मांग रहा है ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि बुक इज आंसर आप बोलोगे okay. तो आप और अपना इमेज खराब कर रहे हो उसके सामने तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज का आंसर मांगने का कोशिश कर रहे हैं एंड लास्ट थिंग इज बिहेवियर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज बिहेवियर क्वेश्चन अगेन माइंडसेट चेस्ट होता है यहाँ पर आपका माइंड सेट अगर सही होगा तो बिहेवियर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड सी एक्सपेक्टेड सीटीसी को लेकर गलत बोल देता है लॉट ऑफ पीपल मेक फिफ्टी परसेंट हाइक दिस हाइक एंड दैट एचआर के सामने ज्यादा लोकेशन नहीं पसंद आ रहा है लोकेशन मेनी पीपल आल्सो मेक दिस दैट कि आज नहीं इंटरव्यू आप एक हफ्ता बाद शेड्यूल आपको सामने अंबल रहना है एचआर के सामने cannot, वो अगर बोल रहा है, दो घंटा बाद इंटरव्यू है तो यू हैव टू गेट इट रेडी बाद दो घंटा बाद तो नहीं मान रहा तो आपको अपना इंटरव्यू देना ही पड़ेगा उपाय नहीं है

अच्छा उसमें रहेगा इंटरव्यूज में मैंने ये नोट किया ये टेंडेंसी बिकॉज अच्छा 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 से 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 आता है, तो आता है है उसको ऑडिट उसका ऊपर का एकदम से से रेडी है और टैक्स अमेंडमेंट तो ऐसे ही लास्ट में ही पढ़ना पड़ता है टैक्स अमेंडमेंट तो लास्ट में ही पढ़ना पड़ता है तो ये ये चीज आप हमेशा याद रखेगी आप कौन सा अटैप्ट में पास हुआ अगर आपका चार पांच अटैप्ट लगा है ना पांच अटम्प से नीचे आजकल सबसे शॉर्टेस्ट कर ही लेता है वैसे तो अटैम्प को लेकर लफड़ा है नहीं वैसे आज आजकल कोई लफड़ा होता नहीं है तो ज्यादा करके फर्स्ट एंड सेकंड अटैम्प वाला को बहुत दिक्कत है मेरे, मेरे पास आधा से ज्यादा फर्स्ट एंड सेकंड अटैम्प वाला ही लोग आया है एंड दिस इज समथिंग बिकॉज ये लोग का प्रिपेरेशन नहीं रहता है ये लोग भूल जाता है सिलेबस को बहुत जल्दी ये चीज आप मैंने नोट किया आप भी सेकंड ये चीज मैंने नोट किया कि यहाँ पर मैं अटैम्प्ट का प्रॉब्लम ये आता है कि को याद नहीं रहता है चीज़ क्योंकि सिलेबस काफी छोड़ के आता है और जो फोर्थ फिफ्थ में आया स्पेशली फर्स्ट ग्रुप पहले क्लियर कर ले उसको थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा रहेगा कम्पेयर टू ये भी एक चीज हमेशा याद रखेगा इंटरव्यू आजकल तो वो भी मैंने नहीं देखा कैंपस में जिसका ज्यादा अटैम्प था उसको जल्दी शॉर्टलिस्ट कर रहा था ना? ये हो रहा था ना कि आपका इस बार तो वही हुआ था तो मैंने देखा था जिसका अटेम्प ज्यादा उसको भी ज्यादा कंपनी शॉर्टलिस्ट कर दिया तो भोजन इसको लेके टेंशन जो लेता है जिसको कि मेरा अटेम्प ज्यादा हो गया मेरे को नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा हंड्रेड परसेंट मिलेगा आपका दस अटेम्प भी हो जाएगा तब भी नौकरी है ओनली थिंग इज दैट आपका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको टेंशन दो चीज का होना चाहिए एक तो आर्टिकलशिप अच्छा से किया अगर नहीं किया तो बहुत टेंशन वाला चीज है और जनरली ये तो टेंशन बहुत बड़ा टेंशन है आर्टिकलशिप अच्छा से नहीं किया बहुत बड़ा टेंशन है उसको इम्प्रूव करिए इसमें पर मैं इम्प्रूव करा देगा ट्रेनिंग करके प्रॉपरली आपका किस तरीका से ऑडिट हो है टैक्सेशन फाइनेंस दूसरा माइंडसेट आपको नहीं हुआ है तो माइंडसेट के लिए आपके पास नेटवर्क होना पड़ता है तभी तो आपका नेटवर्क आपके आपके पास आदमी नहीं है अगल बगल में इफ यू डोंट हैव पीपल ओनली अगल बगल में तो आपका माइंडसेट डेवलप भी नहीं होगा मैंने ये चीज नोट की है अगर आपके अगल बगल में कोई है ही नहीं जो गाइड करने वाला ये पीयर्स भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल ओके फॉर एक्जाम्पल पीयर्स भी नहीं है मतलब आप छोटा कॉलेज से पढ़ा है अगर जैसे बड़ा बड़ा कॉलेज से पढ़ता है तो आपको पता है सी ए भी करना है सीएफए भी करना है सीएमए भी कर लेते हैं सब कुछ कर लेते हैं आपको ये भी करना है वो भी करना है बिकॉज आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी दिक्कत नहीं आता है आपको कोई चीज में दिक्कत नहीं आता है आपको बिग फोर फॉर आर्टिकलशिप लगने में दिक्कत नहीं आता है बिकॉज नेटवर्क है आपके पास पर जो छोटा जगह से स्मॉल सिटी से आता है उसको नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम आता है तो ये प्रॉब्लम भी आपको याद रखना है अगर आपके पास आर्टिकलशिप का प्रॉब्लम है आपके पास नेटवर्क नहीं है आपका मस्ट हो जाता है एंडरशिप लेना मस्ट है आर्टिकलशिप अच्छा नहीं किया नेटवर्क अच्छा नहीं है कोई आपके सामने नहीं इट विल वेरी वेरी डिफिकल्ट टू यू टू फिगर आउट एंड डू वेरी वेल वेरी वेरी डिफिकल्ट आप में बहुत ही टैलेंट चाहिए कि आपको रिसर्च करने में बहुत स्ट्रांग है आप मतलब फ्री रिसोर्सेस पकड़ के मतलब कुछ भी कर लो या आपको एक्स्ट्रावर्ट हो अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट मतलब आई एम टेनिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा जिसका नेटवर्क का प्रॉब्लम है और आर्टिकल सीपी अच्छा नहीं किया कि दो प्रॉब्लम के कारण उसको काफी ज्यादा दिक्कत आ जाएगा तो ये सब चीज आपको समझिए आप मेंटरशिप लेना चाहिए अगर आपका नेटवर्क अच्छा है आपने आर्टिकल सीप अच्छी की है रैंक लाया आपको मेंटरशिप का दरकार जनरली नहीं है बहुत मुश्किल है कि हमको बोलेगा हाँ मेंटरशिप का दरकार नहीं पर मेंटरशिप कब दरकार है जब आर्टिकल से बच्चा नहीं करके रखी है नेटवर्क नहीं है आपको पता नहीं है आपका कोई बड़ा भाई नहीं है आपको पता ही नहीं कोई सीए ए की है वो भी गाइड नहीं कर रहा है कजन भी नहीं है जो गाइड कर रहा है तब तो आपको मेंटरशिप हंड्रेड परसेंट लेना बहुत जरूरी है तो ये एक डिसीजन लेने में आपको काम आएगा कि कब मेंटरशिप लो कब ट्रेनिंग लो और कब नहीं लो तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो लेता नहीं है कि दरकार नहीं है दरकार बहुत है

अगर इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पा रहे हैं आपको नहीं पता है कि आपको क्या पढ़ना है आपको नहीं पता है कि आपका रिज्यूमे सही है या नहीं है आपको उसको रिव्यू करवाना चाहिए एंड आप सी ए फ्रेशर हैं सी एस फ्रेशर हैं एक्सपीरियंसड हैं, एम बी ए हैं तब भी सर यहाँ पे हैं आपकी हेल्प करने के लिए एंड बस आपको सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन पे ध्यान देना है बाकी सब सर देख लेते हैं